हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। दिस इज ब्रेश कुमार, HBS स्टडी पॉइंट के माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, UPPCS कल RO और ARO का पेपर कंडक्ट कराया गया था, और आपको पता है, सबको पता ही चल गया होगा मेरे बहन भाइयों को, कि RO ARO का पेपर क्या है, आपका आउट हो गया है। आउट कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, तो आपको पता है सारे बच्चे जितने भी आपको व्यूवर्स हैं और जो तैयारी कर रहे थे, उनके काफ़ी काफ़ी दिल दिमाग को चोट पहुंची है, क्योंकि काफ़ी दिनों से वैकेंसियाँ का इंतजार करते हैं बच्चे, और काफ़ी दिनों के बाद पेपर होता है। कहीं जाकर और कुछ बच्चे क्या है, ओवर एज भी हो चुके हैं। तो मेरे भी दोस्तों, काफ़ी बच्चे बहुत परेशान थे कि आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या है, पेपर आउट होने से और बड़ा ही दिक्कत प्रॉब्लम हो गई थी। तो मेरे भी दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है, प्लीज़ इसको इतना शेयर करो कि सभी बहन भाई तक एक कह पहुँचे, और आप एक 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 कंपेन चलाएंगे जिसके माध्यम से क्या है, ये हमारी जो जो मांग है या हमारी जो आवाज़ है, वो हमारे उत्तर प्रदेश के CM साहब से योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचे ये बात, और हमारे जितने भी MLA MP हैं वो आपकी आगे पहुँचाएँ, क्योंकि आपको पता है काफ़ी हतो हताश होना पड़ता है, बड़ा प्रॉब्लम है भाई, क्रिएट होनी पड़ती है, क्या बताइए आपको। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे यहाँ पर जब पेपर देने गए थे, तो पेपर की कॉपी पहले से खुली मिली, और खुली मिलने से ही वहाँ पर क्या है, कुछ बच्चों ने कहा ये पेपर खुली है और पहले से पेपर आउट हो चुका है, इसे फाइनल से तो होता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे यहाँ धरने पर बैठ गए, कॉलेज बाहर निकल के उन्होंने पेपर भी नहीं दिया, तो इससे सिद्ध होता है कि आप पेपर आपको लीक हुआ है, और लीक होने से आपको पता है मेरिट की अप डाउन होगी, और अप डाउन हो जो बच्चे मेहनती हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, वो काफ़ी पिछड़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तो जो पेपर कराता है RO ARO का, और यहाँ पेपर अगर ये इस तरह से ये लीक हो जाते हैं, तो काफ़ी बच्चों क्या है, यहाँ पर इस कामयाब भुगतना पड़ता है। और आपको पता है कि ये वैकेंसी काफ़ी दिनों के बाद वैकेंसी आई, और यहाँ पर जो पेपर हुआ है वो आपको 400 यहाँ पर जो आपके जो सीटें हैं, इसमें जो सीटों के सापेक्ष देखेंगे, तो सीटें आपकी चाह कितनी थी, 411 थी एलिफेंट, और 411 के सापेक्ष में कम से 10 लाख प्लस बच्चे इसमें बैठे थे, और इसमें 60% क्या है, उपस्थिति रही है एलिफेंट। तो यहाँ पर ये आप समझ सकते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, जो मेरे बहन भाई इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी नेगेटिव कंडीशन हो सकती है, और देखते हैं क्या होता है। तो मैं अब एक हम अपने ईटों के माध्यम से हम सबको जागरूक करना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर के एक कंपेन चलाएं, और कैसे कैसे क्या क्या होगा, सभी लोगों को इस बारे में जागरूक करें और बताएं कि इस तरह से ये हमारी क्या है, धांधलेबाजी हो रही है, और इस कॉलेज से हुई है, आपको पता है, सब कुछ आपने देख लिया होगा, और सोशल मीडिया पर ये सारी बातें पहुँच चुकी हैं। तो मेरी भी दोस्तों, काफ़ी मेहनत करने के बावजूद ये इस तरह की सारी हरकतबाजी होती है, तो हमारी सरकार कहाँ जागरूक है, और जागरूक नहीं हो पा रही है, शायद विधेयक भी पारित हो चुके हैं, तब भी उन लोगों को जो पेपर निकाला है या निकाला नहीं गया है, क्यों कैसे खोली थी कॉपी, इसकी आपको क्या है, जांच का एक क्या है इशू बन चुका है, और ये जांच का विषय है, और इस जांच के विषय पर क्या है, काफ़ी अच्छी तरह से इसे गहन अध्ययन किया जाना चाहिए, जिससे कि आने जो भविष्य में बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या है, न्याय मिल सके। क्लियर। तो ये मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन लग रही है, तो आगे वाले पर जरूर शेयर करें, और आपको सब्सक्राइब करें, जिससे क्या हम सब लोग क्या एक दूसरे जागरूक हों, जिससे हमारे बहन भाई हैं काफ़ी दिन से परेशान हैं, और काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे हैं, और उनका नंबर एक दो नंबर से अगर हो जाता है तो बड़ा ही दिक्कत होगी। ये इसीलिए मैंने आपसे क्या है आग्रह करता हूँ, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, मुझसे जितने भी जुड़े हुए हैं, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, सभी एक दूसरे से शेयर करें, और जिससे कि हम सब लोग क्या हैं, ये इसका क्या है, आपको आगे तक आगे कंपेन चले, इससे क्या आगे आगे तक क्या है, चेंज सिस्टम के माध्यम से एक हमारी बात हमारे CM साहब तक पहुँचे, और CM साहब पहुँचे, और उसके क्या है कोई कार्रवाई हो। ठीक फ्रेंड, तो यही बात आज आपसे करनी थी। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड आफ्टरनून एवरीबडी।